तो गाइस जैसे ये कुछ है मलाड का एरिया और सामने मेट्रो ओवर ब्रिज है और अभी ट्रैफिक वाइज के लिए गाड़ी से शुरू चलने बस ऐसा कुछ बस मुंबई का ये मुंबई का डीजल बस है फ्यूल बस है बस बैठे सामने बस स्टैंड आया है और ये सब जितने भी पैसेंजर सब उतरने वाले हैं बाहर का भी कुछ ऐसा है देख रहे हैं बाहर भी बाहर कैसा है एरिया सामने का बस सामने का दिख रहा है मेट्रो ब्रिज और सामने मेट्रो को सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं। सुहागरात की वीडियो मेरी भी ले लो हमारी भी जल्दी है आपके हमारे तेरी बहन की लोड़ी ये तेरी माँ की लोड़ी आप दोनों को बॉम्बे जाना चाहिए यहाँ वरना सिर्फ लड़कियाँ जाती हैं अंदर इसे कहते हैं कास्टिंग ऑन कम तीन तीन स्टार है सर स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग इन दोनों गवारों को उठा के यहाँ से बाहर फेंक दो मुंबई सपनों का शहर है सपनों का नहीं यार हीरोइन की लेनी है हीरो की लेनी है टैलेंट नहीं चाहिए तुम्हारी नजर में कोई फिल्म पे पैसे लगाने वाला है तो आबादान एंड चीटर्स अपनी जान के लिए जान दे सकता है इनका मार दल का बलात्कार बलात्कार जब तक तुम्हारे साथ है क्रांति शाह तब तक तुम्हारे हर एक फिल्म से आवाज आएगी क्या नाम है आपका भाई साहब सलमान खान क्यों अपना फ्यूचर खराब कर रहा है आई लव बॉय ये डायलॉग वायलॉग अपन से नहीं होगा या तो मैं एक्टिंग करेगी या तो उठेगी लेटेगी इस काले केले को खाके ऐसा आनंद आता है कि जैसे मैं एक झटके में जमीन से जन्नत में पहुंच गई हूँ मुझे अलग अलग तरह के केले खाने का बहुत शौक हमने तुमको मौका दिया और तुमने हमको धोखा देवी क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग लोक में आया ऐसे तुम्हारे कर्म में दर्शकों अभी लंच टाइम हो गया तो चलो लंच करते हैं तो ऐसा है मेरा कुछ लंच स्वीट्स और वेजिटेरियन लंच है पनीर की सब्जी आलू गोभी की सब्जी है तो वेजिटेरियन लंच है फटाफट लंच करते हैं उसके बाद चलेंगे घर तो अभी लंच का टाइम हुआ है तो ये स्वीट में खा रहा हूँ और स्वीट्स खाने के बाद जाऊँगा घर तो लंच का टाइम हुआ है तो चलो भरपेट खाते हैं और लेट्स गो टू होम और ऐसा है कुछ व्यू तो खा के चलते हैं घर तो अभी आया था मैं बांद्रा में इसके बाद मैं जाऊंगा घर तो स्वीट्स खा के और खाना खा के लंच खा के देन गो टू होम और अभी का व्यू ऐसा है तो पिकअप हो गया है घर जाएंगे तो अब ये जो बाहर का व्यू देख रहे हो गाइस बांद्रा का है और ये ऐसी कुछ ऐसी है टेम्पो ट्रैवलर और नाइट का व्यू हो गया है और नाइट में 9:30 हो रहा था तो लेट्स गो टू होम और बाहर रोड खाली खाली था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और बहुत ही प्यारा व्यू था और बहुत ही अच्छी गाड़ी थी टेम्पो ट्रेवलर कूलिंग अच्छी कर रही थी एसी बहुत अच्छी थी है तो जब भी मुंबई में मोस्टली मैं एसी गाड़ी में ही घूमता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे क्योंकि मुंबई में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बाहर देख रहे हो बाहर ट्रैफिक नहीं एकदम ना ही गाड़ियाँ चल रही है तो बहुत मज़ा आया सो लेट्स गो टू होम स्टेशन जाते हैं फिर घर जाएंगे देख रहे हैं लोकल ट्रेन है लोकल ट्रेन में चल रहे हैं घर अभी रात हो रहा है 9:50 खाली है ऑलमोस्ट खाली खाली है और बाहर कभी भी जैसा है देख रहे हो चल रहे हैं रूम पे पाँच लोग है अंधेरी जब आज मुंबई के अभी लोकल ट्रेन में है और यहाँ बाहर का व्यू है सेंटा क्रूज स्टेशन है
रत्न कर रहे हैं इसको, इसका अवार्ड का गरिमा खराब करने के लिए लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। वो तो इज्जुमन तशा वो तो जिल्लुमन तशा, इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है और कोई किसी की इज्जत कम नहीं कर सकता। मैं इस बेस पे चलने वाला इंसान हूँ और इस बरकरार रहेंगे, मेरी तरफ से कोशिश रहेंगी कि इस अवार्ड को और अच्छी तरह से पेश करूँ और टेक्नीशियन लोगों का मुकाम और बढ़ाऊँ। थैंक यू वेरी मच। साथ साथ मेरे आर्टिस्ट, प्यारे आर्टिस्ट लोग हैं जो इस अवार्ड में आके इसको सपोर्ट करते हैं, इसकी शान बढ़ाते हैं, उनका भी धन्यवाद। आर्टिस्ट भी मेरी नज़र में एक तरह के टेक्नीशियंस ही है। दोस्तों तालियों की कगार पे कमी नहीं आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, किया था मैंने इनसे कि मैं आऊंगा, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, जस्ट खत्म किया और वहां से सीधा कृष्णा ऑडियो से आया हूं, उन्हें नहीं था। मैं माफी चाहता हूं। और क्या बात, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स 2024, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने अवार्ड दिया है, साथ में मुझे भी आज ये अवार्ड मिला, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 20 साल से लगे हैं, जोरदार ताली हो जाए। आदरणीय लता जी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत रत्न, इनको कहते हैं जुबान का बादशाह, मैंने सुना। आदर खान साहब, और आदरणीय जगजीत सिंह जी, क्या तारीफ करते थे इनके, मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, तारीफ है काबिल है। तो बस जोरदार ताली और हो जाए इनके लिए। और मैं बस मोर देन 45 years आई हैव बीन एंटरटेनिंग यू ऑल, आप सब लोगों को 45 साल हो गए अपनी आवाज से, गाने से आप लोगों की सेवाएं करता आ रहा हूं। थैंक्स टू बॉलीवुड एंड थैंक्स टू माय ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स अलमाइटी गॉड, माता पिता का आशीर्वाद। और आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं मेरे गानों को, मेरे मुझे, जिसके वजह से आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित जी। और मैं यहाँ पर सड़क में एक मोड़ आया, मुझे दिल छोड़ आया, रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं इतने दिल छोड़ा। मैं नहीं कमाया, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अरे सर कैसे हैं, थैंक यू सो मच। मैं अभी जितने कहना चाहूंगा कि दिल की पाकी